Hi guys, welcome back to my channel and I am here with a very new series. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक अल्फ़ाबेट कुकिंग सीरीज़ क्योंकि मुझे खाना बनाना और खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आज अल्फ़ाबेट ए से हम लोग बना रहे हैं आलू का पराठा. मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज़ के आलू को हाफ से कट कर लिया है और इसे एक पतीले में डाल के फुल पानी से भर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ. ये एक प्रो टिप है, नमक डालने से जब आप आलू को ऐसे बिना प्रेशर कुकर के पकाते हो तो ये जल्दी कुक हो जाता है. अब हम करेंगे मसाले की तैयारी. तो मैंने यहाँ पे चार हरी मिर्च ली है, एक इंच अदरक का टुकड़ा, चार छोटी लहसुन की कलियाँ और धनिया पत्ता के स्टेम्स को बिल्कुल ना फेंकें. इसे इसमें डालें और ब्लेंड कर लें एंड आपको कुछ इस तरह का दरदरा पेस्ट मिलेगा. हमारे आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं. बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिल्कुल मौसम बन गया है आलू के पराठे का. तो अब आटा गूंथ लेंगे. तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है अपने अनुसार की मुझे जितना बनाना था और उसमें मैंने दिया है बेसन. बेसन थोड़ा सा डालना है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है. फिर मैंने अजवाइन और मंगरेला थोड़ा सा दिया है फॉर द टेस्ट एंड इससे ना हज़म भी बहुत अच्छे से होता है. तो एक सॉफ्ट सा आटा हम लोग इससे गूंद लेंगे और अच्छे से गूंदना है ताकि हमारे जो रोटियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी बने, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बोथ होता है इससे. तो हमारा आटा गूंथ चुका है और बाहर बारिश भी हो रही है, बहुत मतलब सही मौसम हो रहा था. ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में. तो मैं यहाँ पे आलू को स्मैश कर ले रही हूँ अच्छे से. एक फोक से जब आप स्मैश करते हो ना तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, कोई लम्स नहीं रहता. तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ आज का मसाला बनाने के लिए. दो चम्मच सरसों के तेल में आपको डालना है जीरा और चॉप्ड अनियन. एक छोटा सा अनियन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया और जो मसाला हमने बनाया था वो नमक, हल्दी और जीरा, लाल मिर्च और गोटा जो धनिया होता है उसका मैंने भून के एक मसाला बनाया है उसको डाला है. फिर हम लोग इसमें आलू डालेंगे और हमारा आलू का पेस्ट हो गया है रेडी. एंड मैंने मूंगफली को भी अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है गार्निश करने के लिए. तो अब हम पराठे बना लेते हैं. तो एक लोई लेंगे आटे में से, उसे अच्छे से पहले ड्राई आटे में डस्ट ऑफ कर लेंगे. फिर हम एक छोटी सी कटोरी बनाएंगे. दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक आलू का पराठा. फिर बहुत सारा आलू लेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आलू उतना ज़्यादा टेस्टी. एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे ना आलू का पराठा थोड़ा फटाफट अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा आलू डाल सकूँ. एंड इस सीरीज़ की अगर बात करें तो एवरी सैटरडे एक वीडियो आएगी और मैं कोशिश करूँगी कुछ नया ट्राई करने का एंड आप लोग के साथ शेयर करने का. तो हमारा पराठा बिल चुका है तो अब इसे सेकेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद इसमें मैं लगा रही हूँ घी. भरपूर घी डालेंगे, वीडियो के लिए नहीं, बस एक ही पराठा मैं खाऊंगी तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा घी लगाया है. एंड मौसम बस देखो यार, क्या सही मौसम हो रहा है. हमारा पराठा भी सिक चुका है, बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं. दिस इज़ द फाइनल लुक एंड इट टेस्टेड हेवनली. नाउ कमेंट ऑन बिलो लेटर बी से क्या बनाऊं.